Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, you guys know that I'm a corporate professional, part-time content creator. I have a family to handle. 3 साल का बेटा है मेरा जिसको खाना खिलाना बहुत ही डिफिकल्ट है. हस्बैंड भी मेरे कॉर्पोरेट लाइफ के हैं, मैं भी कॉर्पोरेट लाइफ की हूँ. तो कभी टीम लंचेस होते रहते हैं, कभी घर पे मूवी का प्लान बन जाता है फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी बच्चों को पराठा ही बोरिंग लगने लग जाता है. उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट का एक बोरिंग सा सैंडविच कैसे इंटरेस्टिंग बनाती हूँ मैं. और मेरी लाइफ जो है ना एकदम भागती है, बिकॉज आई एम लाइक ऑलवेज ऑन द गो. ऑफिस जाना है, कंटेंट क्रिएशन है, वीडियोस एडिट करनी है, बेटे के स्कूल जाना है, उसको लेकर आना है, बहुत सारे काम होते हैं. आई एम श्योर यू गाइज कैन रिलेट. सो मुझे एक ब्रांड मिला है ऐसा जो जिसकी सॉसेज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपका कुछ भी बोरिंग सा खाना होता है ना वो इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है. सो द ब्रांड इज सॉसी अफेयर. सो मैंने इनकी 3 सॉसेस पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मुझे बहुत पसंद आ रही हैं. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इनकी 3 न्यू और वेरिएंट्स. इनके टोटल 10 वेरिएंट्स हैं, सारे वेजिटेबल बेस्ड सॉसेस हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. अभी मैं डिटेल में रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं अपने बोरिंग खाने को कैसे इंटरेस्टिंग बनाती हूँ इनके साथ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. ऑन द गो पे अगर आप रहते हो ना, एकदम भागती हुई आपकी लाइफ है मेरी तरह, ट्रस्ट में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है खाने वाने में. और बच्चे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे और हस्बैंड को भी उनका जो पराठा एंड सैंडविच है ना बोरिंग नहीं लगेगा. सो चलो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, दीज आर द 3 सॉसेस बाय द ब्रांड सॉसी अफेयर दैट हैव काइंड ऑफ सॉर्टेड माय लाइफ. सो फर्स्ट वन बीइंग माय फेवरेट वन, दिस इज द मसाला माफिया बाय द ब्रांड सॉसी अफेयर. एंड फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फॉर 225 रुपीज. सो इसको आप किसके साथ पेयर अप कर सकते हो? सो यू कैन पेयर इट अप विद योर पास्तास, यू कैन यूज इट एज अ फिलिंग फॉर योर पराठा, सैंडविचेस एंड फ्रैंकीज. सो बेसिकली सॉसेस काफी वर्सेटाइल हैं, वेजिटेबल बेस्ड सॉसेज है, इंग्रेडिएंट्स काफी प्रॉमिसिंग है. आप चेक कर सकते हो पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट. सो सारे वेजिटेबल बेस्ड इंग्रेडिएंट है एंड काफी अफोर्डेबल सॉसेज हैं. सो इस तरह की सॉसेज को ना आप रैप्स में, सैंडविचेस में, जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हो. सो ये मसाला माफिया, दिस इज लाइक माई फेवरेट वन. इसको मैं अक्सर यूज करती रहती हूँ विद माई पराठा, फॉर माई सैंडविचेस. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो मैं आपको एक स्कूप बाहर निकाल के दिखा देती हूँ. सो दिस इज हाउ द सॉस लुक्स लाइक. एंड काफी यमी है, काफी इंटरेस्टिंग फ्लेवर है. सो या, सो दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट वंस. नेक्स्ट जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन सॉस आई बिलीव, पेरी पेरी सॉस. आई बिलीव सबने सुना होगा. इसको आप कबाब्स के साथ, फ्राइज के साथ, किसी फ्राइड स्नैक्स के साथ पेयर कर सकते हो. काफी लोग सैंडविचेस में भी पेरी पेरी को यूज करना प्रेफर करते हैं. अगेन फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फॉर लाइक 225 रुपीज. काफी अफोर्डेबल है, शेल्फ लाइफ भी ठीक ठाक है, 9 to 10 months की है. अगेन वेजिटेबल बेस्ड इंग्रीडियंट्स हैं, काफी अच्छी वाली सॉस है. अगर कभी घर में फ्राइज, कबाब ये सब बनता है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो. मेरे बेटे को पेरी पेरी सॉस बहुत ज्यादा पसंद है, इवन माई हस्बैंड उनको भी काफी पसंद है. स्नैक्स वगैरह के साथ काफी अच्छी रहती है. इसका मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो इसका एक बार टेक्सचर दिखा देते हैं आपको. टेक्सचर क्या, वैसे तो टेस्ट में तो बहुत ही अमेजिंग है, बट मेरी पर्सनल फेवरेट मसाला वाली है जो मैंने पहले दिखाई. बट यार इवन दिस इज लाइक गुड. सो मेरा पर्सनल फेवरेट पेरी पेरी सॉस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इन जनरल भी ज्यादा पेरी पेरी सॉस को प्रेफर नहीं करती इन जनरल. एनीवेज, तो द थर्ड वन इज बुलोगनी सॉस. सो दिस इज अगेन बाय द ब्रांड सॉसी अफेयर ऑब्वियसली. सो अगेन फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फॉर 225 रुपीज. एंड इसको आप किसके साथ पेयर अप कर सकते हो? सो यू कैन यूज इट इन योर पास्ता एंड स्पेगेटीज. सो या, इसमें टोमेटो कंटेंट थोड़ा सा हाई है. सो जस्ट इन केस यू आर एलर्जिक टू टोमेटोज इन योर सॉसेस. सो बेसिकली मुझे टोमेटोज इतनी एलर्जी नहीं है, बट अगर सॉस में टोमेटो होता है सो कभी कभी मुझे ना आई जस्ट गेट लाइक सोर थ्रोट, या फिर मुझे कभी कभी कफ स्टार्ट हो जाता है. सो अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा और केयरफुली इसको यूज करना. बट वैसे काफी टेस्टी है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने फीडबैक दिया है, मेरी मॉम ने फीडबैक दिया है, एंड मेरे बेटे ने मैंने इसके साथ स्पेगेटी पेयर अप करके उसको बनाकर दी थी. तो ऑब्वियसली अगर 3 साढ़े 3 साल के बच्चे ने खा लिया तो आई एम श्योर सबको पसंद आ जाएगा. सो दिस इज लाइक अगेन गुड वन. सो इसका टेक्सचर मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. सो या, सो ये 3 सॉसेज हैं जो हमारे साथ हैं.
मैंने पहले भी सॉसी अफेयर की तीन सॉसेस आप लोगों के साथ शेयर की थी आई बिलीव, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार देख लेना। तो चलो क्विकली एक सैंडविच बनाते हैं। आई एम गोइंग टू यूज माय फेवरेट मसाला माफिया सॉस बिकॉज दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट वंस। इसको पराठे के साथ भी आप पेयर अप कर सकते हो। मैं इसका एक क्विक सा सैंडविच बना रही हूँ बिकॉज मुझे एक्चुअली में काफी भूख लग रही है एंड आई थॉट कि चलो फटाफट से सैंडविच बनाते हैं एंड आई एम लाइक हेल टायर्ड। अभी जब मैं सैंडविच खाते हुए अगर आपको अपनी फोटोग्राफ दिखा दूंगा यू विल बी लाइक कि क्या हो गया तुझे, आई एम लाइक हेल टायर्ड। सो चलो क्विकली बनाते हैं सैंडविच। सो गाइस सैंडविच के लिए मैं ले रही हूँ ये मसाला माफिया सॉस ऑब्वियसली एंड उसके बाद इसको बस स्प्रेड कर रही हूँ ब्रेड पे। सो आई एम नॉट अ ग्रेट कुक या मैं कोई एज सच ना, मेरे में ये कुकिंग स्किल्स और ये सब इतना है नहीं। सो अगर आप भी मेरी तरह ही हो ना एकदम ऐसे काम चलाओ वाले कुक तो डेफिनेटली ये सॉसेज आपकी हेल्प करने वाली हैं। सो आप अच्छे से इसे स्प्रेड कर लो एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ टोमेटोज। सो जस्ट थोड़े से आप टोमेटोज डाल लो, बाकी आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपको डालना है, आप ग्रिल कर सकते हो जैसे मर्जी कर सकते हो। पनीर डाल रही हूँ ठीक है एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू एड जस्ट चीज स्लाइस। आप इस सैंडविच को यू नो ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, इवनिंग में खा सकते हो, जैसे मर्जी खा सकते हो ऑब्वियसली। सो दिस इज हाउ माई सैंडविच लुक्स लाइक यूजिंग दिस मसाला माफिया सॉस बाय सॉसी अफेयर। काफ़ी अफोर्डेबल सॉसेज हैं, काफ़ी यू नो इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट है। काफ़ी सॉसेज में प्रेजर्वेटिव्स का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है बट इनमें नहीं है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस, दिस बीइंग माय फेवरेट वन आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेफिनेटली ट्राई कर लेना। चलो मुझे लग रही है भूख और मैं जा रही हूँ ये सैंडविच खाने। तो गाइस मैंने ग्रिल कर लिया था, सो दिस इज हाउ द सैंडविच लुक्स लाइक। आप ग्रिल कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट मुझे ऐसा सैंडविच अच्छा लगता। आराम से पेट पूजा कर रही हूँ और हाल तो मेरे सच में बहुत बेहाल है। चलो बाय। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, आई होप आपको पसंद आई होगी। डू फ्लर्ट विद फ्लेवर्स विद सॉसी अफेयर, ये इनकी टैगलाइन है और मुझे काफी ज्यादा पसंद है। सो डू चेक दीज सॉसेज आउट गाइज।